लोग पूछते हैं अमूमन कितना वक्त लगता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे 42 साल लगते हैं किसी रोल को बनाने में। हम जो भी करते हैं बतौर कलाकार उसमें हमारा पूरी जिंदगी का अनुभव शामिल होता है। गुरु इम्पोर्टेंट नहीं है, विद्यार्थी बेहतर होना इम्पोर्टेंट है। बिना विचार के एक्टिंग नहीं हो सकती है, सिक्स पैक सिर्फ एक्टिंग के लिए जरूरी नहीं है। कहानी में लेकिन पंकज जी आपके कैरेक्टर की एकदम छवि अलग है जितनी भी फिल्में आई है इस साल, एब्सोल्युटली मतलब पोल्स अपार्ट। मतलब बरेली क्या, गुड़गांव क्या और न्यूटन क्या, बरेली में माय फेवरेट सीन्स इन द मूवी है जब आप सीमा पावा जी सो रही है, आप बस पंखे से बात कर रहे हो, पर्दे के छत में गोल 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 गोल। तो अपने कैरेक्टर के प्रेपरेशन के लिए पंकज जी आप कुछ करते हैं खास तौर पे, और या आपकी ये पुरानी थिएटर की ट्रेनिंग है जो काम आती है? सब है दोस्त। मैं लोग पूछते हैं अमूमन कितना वक्त लगता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे 42 साल लगते हैं किसी रोल को बनाने में, मेरी उम्र है 42 साल और 2-3 महीने उस स्क्रिप्ट की उम्र। हम जो भी करते हैं बतौर कलाकार उसमें हमारा पूरी ज़िंदगी का अनुभव शामिल होता है। मैं नरोत्तम मिश्रा जो बेटी के पापा थे, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हर बेटी को वैसे बाप मिले, इसीलिए मैंने वो रोल किया कि हाँ यार मैं उस एज ग्रुप में हूँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मतलब मैं अपने मूल रूप में आ जाऊँ तो बेटी का बड़ा भाई लगूंगा। तो वो रोल अच्छा था, मुझे लगा यार इस मेरी खुद एक बेटी है 10-11 साल की, मैं बड़ा जुड़ा हुआ हूँ उससे, मुझे बेटियां पसंद है किसी की भी बेटी हो। तो प्रिपरेशन की जहां तक बात है ना, कि मैं हमेशा ये ध्यान देता हूँ कि यार रस पर ना रहे, नीरस ना हो जी। कि एक्टिंग के नाम पे ना नीरस होना, एफर्टलेस होना, ब्लडलेस होना बहुत महीन धागे का काम है, बहुत बारीक थ्रेड है जहां आपकी परफॉर्मेंस एफर्टलेस से ब्लडलेस हो जाती है। मैं बहुत अवेयर रहता हूँ, मैं कुक हूँ, मैं रसोईया हूँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, तो मुझे पता है हल्दी कितनी डालनी है दाल में। हल्दी की थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई ना तो रंग बदल जाता है, नमक थोड़ा सा बढ़ गया ना तो बेस्वाद हो जाता है मसाला। तो मैं अभिनय को कुकिंग और संगीत से बड़ा जोड़ता हूँ, एक ताल एक्स्ट्रा हो गया ना तो वो नहीं बैठेगा, एक सुर आपका बढ़ गया सांसें पा पे चली गई तो खेल खराब हो जाएगा, आप गाने को आगे नहीं ले जा सकती हैं। तो मैं संगीत और रसोई से अभिनय करता हूँ। कमाल है यार, व्हाट अ लाइन टू से, मैं संगीत और रसोई से अभिनय करता हूँ। तो एक्टिंग स्कूल खोलने का सोचा सर कभी आपने? ये सारी बातें बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सीखने की जरूरत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कि पिक्चरें हमें देखनी पड़ती है हर हफ्ते। मुझे तो सारी देखनी पड़ती है, व्हाट टू डू, काम है आपका, काम है जी। नहीं, एक्टिंग स्कूल खोलने की तो नहीं सोची है अभी तक, बट पता नहीं, सिखाने पर आए तो आप सिखा दो अच्छे अच्छे को सकते। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब मदद के लिए, मैं कई अभी आलिया को, मैं उड़ता पंजाब के लिए मैंने थोड़ी मदद की थी। ओके, आलिया भट्ट को, तो बहुत अच्छी विद्यार्थी है। और गुरु नहीं होता है, गुरु इम्पोर्टेंट नहीं है, विद्यार्थी बेहतर होना इम्पोर्टेंट है। कि मुझे तो मेरे गुरु एक ही थे, मतलब हम मेरे ग्रुप के डायरेक्टर एक थे, बट ग्रुप में 40 अभिनेता थे, 40 मेरे जैसे नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे लेते हैं गुरु की बातों को या किताब की बातों को, पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल के एक्टर्स ना जिम में चले जाते हैं, 8-pack बहुत जरूरी है एक्टिंग के लिए, बट थॉट का होना उससे ज्यादा जरूरी है। आप इंस्टाग्राम पे फोटोज और वीडियोस डाले जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मैं क्या करूं उसका? अच्छी बात है तुम डालो, बढ़िया है, लेकिन विचार भी होने चाहिए। बिना विचार के एक्टिंग नहीं हो सकती है, सिक्स पैक सिर्फ एक्टिंग के लिए जरूरी नहीं है, विचार ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो वो मिसिंग है आजकल। एक और चीज जो बहुत जरूरी है पंकज जी, मुंबई शहर में और माया नगरी में परसिवियरेंस, कॉन्स्टेंटली लगे रहे काम में। आपको भी फोन तो खूब आए होंगे गाँव से कि बेटा तू अब ड्राइवर ही बन जा, कहीं नौकरी तो लगा ले, कहीं सैलरी तो आएगी, घर पक्का तो करेंगे, गाँव में पैसे भिजवा दे, बिजली नहीं आ रही है, लेकिन आप लगे रहे, आपको 13-14 साल आज हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। हमारी फिल्म में ही एक डायलॉग है, मलको बोलती है कि सर कोई भी बड़ा काम होने में वक्त लगता है, जंगल एक दिन में नहीं बनता। राइट, समय लगता है, बिल्कुल लगता है और लगना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं वही, वो जो नदी जो पहाड़ पे बारिश होती है, ग्लेशियर से पानी पिघलता है ना, तो वो पानी पहाड़ों से अपने आप रास्ते बनाते हुए नीचे आती है जमीन में, लैंड में, और फिर समंदर की ओर चली जाती है। तो हम तो ऐसे नदी हैं, हमने तो एक्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं था मुंबई आएंगे, बस होता गया और फ्लो में हम बहते गए, जहां मुझे जगह दिखा वहां गिर गए, वहां से टूल गए, जिसने जो कचरे डाले उसको भी कैरी ऑन कर लिया, हम उससे कुछ, जैसे गंगा क्या हाल है, गंगा को हम प्रदूषित किए जा रहे हैं बट गंगा चल रही है, बह रही है, काम कर रही है अपना, तो हम बस नदियों की तरह हैं दोस्त।